स्टैटिक्स से डायनेमिक्स की तरफ मूव करते हैं। डायनेमिक्स मतलब जब चीज चेंज हो रहा है, ठीक है, तो रुका हुआ नहीं। स्टैटिक मतलब होता है रुका हुआ, ठहरा हुआ, स्थिर। डायनेमिक मतलब हुआ बदलता हुआ चीज, जो चीज चेंज हो रहा है उसको हम लोग डायनेमिक बोलते हैं। तो डायनेमिक्स में जब मोशन हो रहा होता है या मोर स्पेसिफिकली जब एक्सेलरेशन हो रहा होता है तब के सिचुएशन को हम लोग हैंडल करते हैं, ठीक है। अब जो है सो यहां पे हम लोग न्यूटन्स सेकेंड लॉ को ध्यान में रखते हैं कि अगर मोशन हो रहा है या एक्सेलरेशन हो रहा है तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन में नेट फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो स्टैटिक्स में हम लोग कर रहे थे कि दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन ले रहे थे और उस दोनों डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस कर दे रहे थे। ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला फोर्स इक्वल होगा, दाएं वाला फोर्स बाएं वाला फोर्स इक्वल होगा, और फिर हमारे पास दो इक्वेशन आ रहा था, उस दो इक्वेशन से जो भी अननोन है उसको सोल्व करके निकाल दे रहे थे, ठीक है। जब तुम डायनेमिक्स में आओगे तो वहां पे किसी एक डायरेक्शन में मोशन हो रहा होगा, ठीक है। तो तुम जो दो डायरेक्शन लेते हो फोर्सेस को रिजोल्व करने के लिए, उसमें से एक डायरेक्शन जिधर एक्सेलरेशन हो रहा है उधर ले लेते हो, दूसरा डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर लेते हो, ठीक है। तो हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से स्नेक खत्म कर देते हैं और एक डायरेक्शन हमेशा उसको लेंगे जिधर की तरफ मोशन हो रहा है, दूसरा उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन लेंगे, सारे फोर्सेस को इस दो डायरेक्शन में रिजोल्व कर लेंगे। अब जिधर मोशन नहीं हो रहा है मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, उसमें नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो उधर जो दो डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर, जैसे इधर की तरफ मान लो मोशन हो रहा है, तो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में जो फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा, एक इक्वेशन वहां से मिल जाएगा। दूसरा इक्वेशन तुमको मिलेगा जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उस डायरेक्शन में नेट फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। तो दूसरा इक्वेशन तुमको यहां से मिल जाएगा, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर दोगे, इक्वेशन बन जाएगा। बात समझ गया, एकदम सिंपल सा काम है। तो सबसे पहले सबसे फालतू क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं कि एक एम मास का ब्लॉक है उसको हम लोग रिलीज कर दिए हैं, वो किस एक्सेलरेशन से जाएगा? जी एक्सेलरेशन से, ठीक है। तो इसको फॉर्मली अगर बनाना होगा तो हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। इसके फ्री बॉडी डायग्राम में एकमात्र फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एमजी है, ठीक है, और हम मान लेते हैं कि इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए है। तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन में नेट फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होना चाहिए। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स एमजी लग रहा है और एक्सेलरेशन ए के बराबर हम लोग माने हैं, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन का नेट फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होना चाहिए। यहां से हम लोग को मिल गया ए इज इक्वल टू जी। बात समझ गए, सिंपल है। सपोज करो ये ब्लॉक है और इसको हम ऊपर की तरफ, इसका मास मान लेते हैं हम लोग 2 kg है और इसको ऊपर की तरफ हम लोग 15 N फोर्स से खींच रहे हैं, ठीक है। तो बताना है इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा। तो इसका हम लोग सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ऊपर की तरफ 15 N फोर्स लगा रहे हैं, नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है? एमजी के बराबर, जो उसका वेट है सो ग्रेविटी लगाएगा। जी का वैल्यू अगर हम लोग 10 ले ले तो नीचे की तरफ इस पे फोर्स आ जाएगा 20 N। तो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में है? नीचे की तरफ। तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा, उस एक्सेलरेशन को हम लोग ए मान लेते हैं। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन का नेट फोर्स कितना है? नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा देंगे तब नेट फोर्स मिलेगा। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स 20 - 15 N हो जाएगा और ये इक्वल होना चाहिए इसका मास जो 2 kg है इनटू एक्सेलरेशन ए, और तब यहां से ए का वैल्यू आ जाएगा 5/2 m/s². आइडिया समझ में आया? सपोज करो किसी ब्लॉक को हम लोग एक लिफ्ट में रखे हैं और ये इसका मास m है, ये एलिवेटर या लिफ्ट ऊपर की तरफ a एक्सेलरेशन से जा रहा है। तो बताना है इस फ्लोर और ब्लॉक के बीच का नॉर्मल कितना होगा। तो इस ब्लॉक का सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। एक फोर्स इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी लगेगा mg, इसके अलावा फ्लोर इस पे ऊपर की तरफ कुछ नॉर्मल लगा रहा होगा, ठीक है।
और ये एलिवेटर या लिफ्ट ऊपर की तरफ एक एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो उसके साथ साथ ये ब्लॉक भी ऊपर की तरफ एक एक्सेलरेशन से जा रहा होगा, तो यहां पे ऊपर की तरफ इसका एक्सेलरेशन ए होगा। ये समझ में आया, सिंपल है। तो फ्री बॉडी डायग्राम जैसे हम लोग बनाते थे वैसे ही बना रहे हैं, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड हम लोगों को क्वेश्चन से पता चलेगा या लॉजिक से पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एलिवेटर ऊपर जा रहा है, उसके साथ साथ ब्लॉक भी ऊपर जा रहा होगा, तो जो एलिवेटर का एक्सेलरेशन होगा वही इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा ऊपर की तरफ, ठीक है। ये समझ में आया। तो अब जो है सो इक्वेशन लिखोगे तो ऊपर डायरेक्शन में ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन हो रहा है, तो ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स, नेट फोर्स ऊपर की तरफ होगा, ऊपर वाले फोर्स में से नीचे वाला फोर्स घटा दोगे तब तुमको ऊपर की तरफ नेट फोर्स मिलेगा, और वो कितना होना चाहिए, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। तो यहां से इक्वेशन आ जाएगा एन माइनस एम जी, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दिए, इज इक्वल टू एम इनटू ए, यहां से एन का वैल्यू एम जी प्लस एम ए आ जाएगा। आइडिया समझ गए, सिंपल सा बात है। तो हम लोग एक इंक्लाइन लेते हैं जिसका इंक्लिनेशन थीटा है, और उस पे एम मास का हम लोग एक ब्लॉक रख दिए, ठीक है। तो बता दो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा और यहां पे नॉर्मल कितना होगा, नॉर्मल और एक्सेलरेशन दोनों बताना है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बनाएंगे, तो इसमें एक वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी लग रहा होगा mg, इसके बाद सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल लगेगा, तो इधर ग्रेविटी है इधर नॉर्मल है, और इसका एक्सेलरेशन होगा किस डायरेक्शन में, जब इसको रिलीज करोगे तो इंक्लाइन के अलोंग ये मूव करेगा, तो इसका एक्सेलरेशन इंक्लाइन के अलोंग होगा, इस एक्सेलरेशन को हम लोग ए मान लेते हैं, ठीक है। अब जो है सो ऐसे क्वेश्चन को किसी भी दो डायरेक्शन में तोड़ के बनाया जा सकता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में रिजोल्व करके बनाया जा सकता है, पर जब तुम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में रिजोल्व करोगे तो होगा ये कि एक्सेलरेशन का भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा, और तब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में मोशन हो रहा होगा, दोनों डायरेक्शन में इक्वेशन में तीन तीन टो टर्म आएगा, ठीक है, या कह लो कि नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन आएगा। लेकिन अगर तुम एक डायरेक्शन जिधर एक्सेलरेशन हो रहा है उसको लेते हो, दूसरा उसके परपेंडिकुलर लेते हो, तो कम से कम एक डायरेक्शन में इक्वेशन नेट फोर्स बराबर जीरो आएगा, तो किसी भी इक्वेशन में एक तरफ जीरो आ जा रहा है तो काम तुम्हारा आसान हो जा रहा है, नेट फोर्स बराबर समथिंग है, नेट फोर्स बराबर जीरो है, नेट फोर्स बराबर जीरो वाला इक्वेशन हम लोग को ज्यादा अच्छा लगेगा, उसको सोल्व करना ज्यादा आसान हो जाएगा। तो थ्योरेटिकली तुम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में तोड़ के क्वेश्चन को बना सकते हो, प्रैक्टिकली जिधर की तरफ मोशन हो रहा है एक डायरेक्शन उसको लेना और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को दूसरा डायरेक्शन ले लेना ज्यादा बेटर होता है, उसमें तुमको सिंपलर इक्वेशंस मिलता है, ठीक है। तो जो लोग इस चीज को अच्छी तरह से समझना चाहते हो वो लोग इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में तोड़ के भी बना लोगे, बना के देख लोगे, समझ लोगे कि जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। उससे भी क्वेश्चन बन जाता है, कितना उसमें इफोर्ट लगता है वो सब तुम जान रहे होगे, समझ रहे होगे, तो तुमको सब्जेक्ट बेटर ढंग से समझ में आ रहा होगा। क्लास में हम लोग इस रूल को यूज करेंगे कि जिधर एक्सेलरेशन हो रहा है एक डायरेक्शन हमेशा उसको लेंगे, दूसरा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को लेंगे। अब कंपोनेंट्स तोड़ना है तो हम लोगों को एंगल सब पता होना चाहिए, तो यहां से ये एंगल अगर थीटा है, ये वाला एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, इसको परपेंडिकुलर वर्टिकल ले रहे हैं, और तब ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो ग्रेविटी है इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से थीटा एंगल पे है, यानी ये वाला एंगल थीटा होगा। तो अब इस ग्रेविटी को हम लोग कंपोनेंट में तोड़ लेते हैं, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ग्रेविटी का कंपोनेंट क्या आएगा, mg cos थीटा, और इधर की तरफ mg sin थीटा, और अब इस mg को हटा देते हैं, इसको दो कंपोनेंट में हम लोग रिजोल्व कर लिए। तो अब सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चूंकि कोई मोशन नहीं हो रहा है तो उस डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होना है, तो इधर का फोर्स नॉर्मल को इधर के mg cos थीटा से हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, तो नॉर्मल इज इक्वल टू mg cos थीटा आ गया, यहां से नॉर्मल का वैल्यू मिल गया। जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उधर इधर की तरफ नेट फोर्स क्या है, mg sin थीटा, दूसरा कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, तो यही
फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होना चाहिए, और तब यहां से ए का वैल्यू जी साइन थीटा आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन जी साइन थीटा के बराबर हो गया, नॉर्मल एम जी कॉस थीटा के बराबर हो गया। बात समझ गए, कोई कंफ्यूजन? तो सपोज करो एक छोटा सा बॉब है, उसको हम लोग धागा से बांध दिए, ठीक है, उसका मास m है और धागा को हम लोग एक साइड खींच लिए हैं से कि वर्टिकल से थीटा एंगल पे, और यहां से इसको रिलीज कर रहे हैं, तो इस इंस्टेंट पे जब रिलीज करेंगे उस समय इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, किस डायरेक्शन में होगा, और धागा में टेंशन कितना होगा, ये तीनों चीज बता दो। मोशन इसका हो किधर की तरफ रहा होगा, धागा जो है सो इस पॉइंट पे फिक्स्ड है, धागा का लेंथ चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है, धागा का लेंथ फिक्स है। दूसरा ये कि ग्रेविटी इसको खींच रहा है तो इसको ऊपर नहीं जा सकता है, ये तो हो क्या रहा होगा कि धागा के लेंथ को कांस्टेंट रखते हुए ये जिस पार्ट पे जाके नीचे जा पाएगा उधर की तरफ जाएगा, ठीक है, धागा का लेंथ फिक्स रहना चाहिए और ये ऊपर नहीं उठ सकता है, ये नीचे की तरफ ही जाना चाहिए, तो इसको सेंटर लेके ऐसे तुम सर्किल ड्रॉ कर दोगे तो इस सर्कुलर पाथ पे ये जाएगा, तो देख सकते हो किसी चीज को लटका के छोड़ोगे तो वो इसको सेंटर लेके सर्किल पे इस तरह से घूमेगा। ये समझ में आया, ये सिंपल सा आइडिया है। तो यहां पे जो इसका डायरेक्शन होगा एक्सेलरेशन का, वो इस सर्किल का जो टेंजेंट आएगा उस टेंजेंट के अलोंग होगा, ठीक है, और चूंकि ये सर्किल के टेंजेंट पे जा रहा है तो ये एंगल जो धागा से बन रहा होगा उस समय एक्सेलरेशन का वो 90 डिग्री एंगल होगा, ठीक है, यहां तक बात समझ में आया। तो इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ होगा, इसको हम ए मान लेते हैं। इसके बाद अब एक फोर्स इस पे ग्रेविटी लगेगा, दूसरा इधर की तरफ टेंशन लगेगा, और टेंजेंशियल डायरेक्शन जो इसका टेंजेंट होगा उस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से जा रहा होगा। तो एक्सेलरेशन चूंकि इधर की तरफ हो रहा है, एक डायरेक्शन हम लोग इसको लेंगे, दूसरा डायरेक्शन इसको लेंगे, और फोर्सेस को इस दो डायरेक्शन में रिजोल्व करेंगे। ये वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है तो यहां भी वर्टिकल से थीटा एंगल बन रहा होगा, तो mg का इधर की तरफ कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इधर की तरफ आ जाएगा mg cos थीटा, और इधर की तरफ कंपोनेंट mg sin थीटा। अब mg को हटा दो, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस करेंगे, क्या इक्वेशन मिल जाएगा, T इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, तो धागा में टेंशन एम जी कॉस थीटा के बराबर होगा, ठीक है, और इस डायरेक्शन में क्या इक्वेशन मिलेगा, जो नेट फोर्स है वो एम जी साइन थीटा है, और ये इक्वल होना चाहिए मास इंटू एक्सेलरेशन के, तो ये आ जाएगा हमें, और यहां से फिर ए का वैल्यू आ जाएगा जी साइन थीटा। तो इवन दो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन देखने में बहुत डिफरेंट है, पर देख सकते हो दोनों में दोनों वैल्यू सेम आया है, उसमें जो नॉर्मल था वो यहां टेंशन है, एक्सेलरेशन दोनों केस में इक्वल है, ठीक है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए प्लेलिस्ट और वीडियो पर क्लिक करें, नए अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।